मेरे फादर ते मेरी वाइफ नू सैक्स रिलेशन लई कहंदे सीगे। मेरी वाइफ ने मैनूं दस दिता ही 6 महीने पहले। मेरे फादर नू पता लग गया कि मैनूं पता लग गया, तो मैं उन्होंने कहा सीगा कि मैं नहीं रहना चाहता तुहाडे नाल, मैनूं अलग कर दो। हिस्सा नहीं दिंदे, मेरी मदद का भी फेयर चलदा, जिसदियां रिकॉर्डिंग्स वगैरह मेरे कोल सारा कुछ हैगा है। एंड मेरे ब्रदर नू भी काफ़ी बार सैक्सुअल हैरेस करदे, मेरे गवांढियां तक ने भी देखिया होया है, क्योंकि तिन्नां ने सैक्सुअली बहुत तंग किया हुआ है। इन्होंने कुछ हिस्सा मांगते कि मेरा थोड़ा बहुत जिन्ना बनता मैं दे के मैं अलग कर दो, ताकि मैं अपनी फैमिली नाल अलग रह सक। पहला मन गए, बाद कहते कि जे घरों निकल गया तो बाद सामने देखूगा कौन, कमा सिर्फ मैं ही, दूजा भरा वेला से काम ही नहीं करता जी। तो फिर हिस्सा देने तो बिल्कुल मुकर गए थे, कुछ भी नहीं देंगे पे, तो मेरी इन्नी इनकम नहीं है कि मैं किराए से जाके रह सक। सो यही हिस्से की गल तो लेके बाद गल बहस हुई सी पापा के नाल। बहस बहस ने प्रवोक किया कि तेरे तो कुछ नहीं होना, तू दल्ला है, ये है वो है, तेरे तो कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, ये वो ना पुलिस कुछ होना, ये हिस्सा साढ़े को लेके पुलिस नहीं दे सकती। बस इस बहस बहस हो गई। कितनी देर तो मेरा ऐसा 6 साल जो तो मेरा मैरिज हुई, मेरी मैरिज तो 2-3 महीने बाद ये प्ले शुरू हो गया। वाइफ ने अपनी गल शेयर की सारा कुछ, मतलब कि इन्ने सालों तो चलता सीगा, उन्होंने भी पता सीगा सारा कुछ चलता सीगा। दसिया तो रही कि लास्ट में हिस्से की गल चलती थी कि दे दो, मैं नहीं रहना चाहता इदा जी माहौल जितने मेरी वाइफ ही सेफ नहीं कर रही। तुहाडियां नज़र इन्हूं इदा दी लगन दीयां कि जिन्होंने एक बार सैक्सुअली इदा दी गल कर ली होवे, तो दोबारा किन्ने किदा रहेगा। पापा ने किन्ने पापा ने कदों कीती ही तुहाडे नाल गल? अज तो 6 महीने पहले। मैं पापा ने गल की, मैं कहा सिर्फ मैं अपने छोटे छोटे बच्चों करके गल अज दब रहा, पर मैं मेरा हिस्सा जो मैं हिस्सा लेके चल जाना। बट उस तो बाद पापा ने हिस्सा तो चलो कहता ही दे देंगे, बाद फिर मेरी मदर मेरे पापा के नाल नहीं सी। उन्हें मेरी मदर को घरे सद लिया, मेरी वाइफ ने दिखाने लगी तू मेरे नाल मनी नहीं तो देख ला, मैं अपने घर वाले सद रही तो इदा ही आगी, हूँ वो रहूगी इतने तेन आगे तंग करूगी। जो आई उन्होंने मेरे 1-2 फेक कंप्लेंटा भी दिखाई कि मारकुट करता, जो थाने साबित भी गई कि फेक सी, मैं कोई कुटमार नहीं की, मैं हमेशा फसाया जाता है, ट्रैप किया जाता है। बाद लास्ट फिर हिस्से हुस्से की गल चलती थी, बट लास्ट अही असं घर के फोन रख के जाते होंगे, रिकॉर्डर ऑन करके साड़ी पिट पिछे गल् करते, मेरी साहु समझ देना इतने कढ़ना जे होगा। शक सी कि इदा भी कोई गल हुई सी तुहाडे फादर साहब ने? नहीं, मेरे फादर साहब ने मैं जो गल की, फादर साहब मन गए, बट मेरे फादर की अखा कोई शर्म नहीं सी, मैं अपने नौना गल्लां कीतियां।